भवानी मंडी में शनिवार को वैक्सीनेशन हुआ संपन्न। कुल 1487 लोगों को लगाई गई कोरोना वैक्सीन। कोविड चिकित्सा प्रभारी डॉक्टर रोहित सोनी ने बताया कि नगर के 4 चिकित्सा केंद्रों पर वैक्सीनेशन किया गया, जिसमें राजकीय कमरुद्दीन चिकित्सालय स्थित टीकाकरण केंद्र पर 18 वर्ष से 44 वर्ष तक के 393 लोगों को पहली डोज, 16 लोगों को दूसरी डोज, 45 वर्ष से 59 वर्ष तक के 51 व्यक्तियों को पहली डोज व 36 व्यक्तियों को दूसरी डोज, वहीं 60 वर्ष से अधिक 42 लोगों को पहली डोज व 32 लोगों को दूसरी डोज लगाई गई। कुल राजकीय कमरुद्दीन चिकित्सालय स्थित टीकाकरण केंद्र पर 570 लोगों का टीकाकरण किया गया। वहीं राजकीय पोद्दार माध्यमिक विद्यालय में 18 वर्ष से 44 वर्ष तक के 221 लोगों को पहली डोज, 8 लोगों को दूसरी डोज, वहीं 45 वर्ष से 59 वर्ष तक के 39 लोगों को पहली डोज, 48 लोगों को दूसरी डोज, वहीं 60 वर्ष से अधिक आयु के 30 लोगों को पहली डोज व 18 लोगों को दूसरी डोज लगाई गई। कुल इस प्रकार 364 लोगों का टीकाकरण किया गया। वहीं नंदूबाई शंकरलाल आदर्श विद्या मंदिर में 18 वर्ष से 44 वर्ष तक के 258 व्यक्तियों को पहली डोज, 3 व्यक्तियों को दूसरी डोज, वहीं 45 वर्ष से 59 वर्ष तक के 31 लोगों को पहली डोज व 13 लोगों को दूसरी डोज, वहीं 60 वर्ष से अधिक आयु के 16 लोगों को पहली डोज व 14 लोगों को दूसरी डोज लगाई गई। कुल इस प्रकार 335 लोगों को कोरोना वैक्सीन लगाई गई। वही रामठे स्थित विद्यालय स्थित टीकाकरण केंद्र पर 18 वर्ष से 44 वर्ष तक के 140 लोगों को पहली डोज, 5 लोगों को दूसरी डोज, 45 वर्ष से 59 वर्ष तक के 21 लोगों को पहली डोज, 19 लोगों को दूसरी डोज, वहीं 60 वर्ष से अधिक आयु के 16 लोगों को पहली डोज व 17 लोगों को दूसरी डोज लगाई गई। कुल इस प्रकार 218 लोगों का टीकाकरण किया गया। वहीं नगर के चारों टीकाकरण केंद्रों पर 1487 लोगों का टीकाकरण किया गया। बीपीएनयू संवाददाता किशोर तंवर की रिपोर्ट, भवानी मंडी, राजस्थान से खबर।